हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश लोकसभा के अंदर कौन जीतेगा, इसकी हम बात करने वाले हैं। मिशन 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अन्य कोई भी रीजनल या राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। गुजरात नतीजों के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद है, वहीं कांग्रेस पार्टी को भी हिमाचल में जीत से संजीवनी मिली है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए दम भर रही है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश का अगर लोकसभा चुनाव आज हुआ और 80 लोकसभा सीटों में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जहां उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में काफ़ी बड़ा सहयोग किया, वहीं 2019 के भी चुनाव में बसपा और सपा गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें मिली। तो उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, आज का समीकरण क्या कहता है, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें वर्तमान गठबंधन के स्वरूप की, कौन सी पार्टी ने किससे गठबंधन किया है, ये समझना जरूरी है। तो अगर हम गठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का वर्तमान में गठबंधन है। साथ ही साथ शिवपाल यादव जिनकी पार्टी थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उन्होंने हाल ही में मैनपुरी चुनाव के बाद जो है कि समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया है। तो शिवपाल यादव जो कि नाराज चल रहे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से, अब वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर चुके हैं। हम वर्तमान सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में फिलहाल अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस समय अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन पार्टियों ने अभी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी अभी किसी से कोई गठबंधन नहीं है। हालांकि उनका विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, जो अब लगभग टूट सा गया है। वहीं अगर बात करें हम आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, तो आज़ाद समाज पार्टी ने हाल ही में उपचुनाव में RLD और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार का साथ दिया था। वहीं मोहम्मद आजम खान के चुनाव में भी वो रामपुर पहुंचे थे। तो अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है आने वाले भविष्य में वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ जा सकते हैं। हम अगर बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की, तो उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का बड़ा साथ दिया था 2014 में। 2014 की बात करें तो NDA यानी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन ने 73 सीटें जीती थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 71 और अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अगर बात करें हम समाजवादी पार्टी की, तो सपा के खाते में 5 सीट दी गई थी। बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था 2014 में। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें गई थी। अगर हम 2014 के वोट परसेंटेज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 42.30% वोट मिला था। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 22.20% वोट मिला था। बहुजन समाज पार्टी को 19.60% वोट मिला। वहीं अपना दल के खाते में 1% वोट गया था। कांग्रेस पार्टी को 7.50% वोट मिला था। तो इस तरीके से अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई। नेक्स्ट चुनाव जो लोकसभा का हुआ वो 2019 में हुआ। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े सीटों के अंतर से जीतने में सफल रही। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद NDA गठबंधन के खाते में 64 सीटें गई, यानी 64 सीटों पर बीजेपी और इसके गठबंधन के साथ ही अपना दल ने जीत हासिल की। महागठबंधन के खाते में 15 सीटें गई। UPA यानी कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली, यहां तक कि राहुल गांधी को भी उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। अगर हम 2019 के वोट परसेंटेज की बात करें तो 51.19% वोट NDA गठबंधन को मिला था। वहीं महागठबंधन को 39.23% वोट मिला। UPA के खाते में 6.41% वोट गए थे। यानी 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। चलिए हम इस पोल में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऑनलाइन सवाल हमने पोल के थ्रू डाला था, उसमें जवाब क्या सामने आया उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री के रूप में आप इनमें से किसे पसंद करते हैं।
नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती। चूंकि यूपी का ये पोल था इसलिए अखिलेश यादव और मायावती को भी विकल्प के रूप में रखा गया था। तो यहाँ पर मोदी के पक्ष में 42% लोगों ने वोट किया है, राहुल गांधी को 24% लोगों ने पसंद किया है, अखिलेश यादव को 28% लोगों ने पसंद किया है, वहीं मायावती को 6% लोगों ने पसंद किया है। यानी मोदी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के रूप में पॉपुलरिटी मिली है। अगला सवाल हमारा तीसरे मोर्चे के गठन से संबंधित था। हमारा सवाल था, क्या लोकसभा 2024 के लिए तीसरे मोर्चे का गठन होना चाहिए। देखिए, आपको लगातार सुनने में आता होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के इतर जो है कि तीसरा मोर्चा बन सकता है, तो उससे रिलेटेड जो हमारा सवाल था उसका जवाब क्या निकल के आया है। देखिए, 48% लोगों का मानना है कि हाँ तीसरा मोर्चा बनना चाहिए, वहीं 52% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है कि यानी तीसरा मोर्चा नहीं बनना चाहिए, इससे मतों का बिखराव हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरा मोर्चा नहीं बनना चाहिए इसके पक्ष में 52 और तीसरा मोर्चा बनना चाहिए इसके पक्ष में 48% लोगों ने जो है कि अपनी वोटिंग सहमति जताई है। चलिए, हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारा था, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में कौन कौन सी पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना, यानी यूपी में किन बड़ी पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए, सपा और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला हो सकता है, ऐसा कहने वाले 71% लोग हैं। भाजपा और बसपा के बीच 4%, कांग्रेस और भाजपा के बीच 19%, चतुष्कोणी मुकाबला ऐसा कहने वाले 6% हैं। यानी ज़्यादातर लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला जो है कि चुनावी दंगल में होगा। जैसा कि आपने देखा भी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी प्रमुख मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही हुआ था। चलिए, हम बात कर लें ओपिनियन की कि 2024 में क्या संभावना बन रही है, अगर आज के समय में यूपी की क्या स्थिति है, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले हम सीटों की बात करें तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें आज के समय में बीजेपी के खाते में जा सकती है, बीजेपी गठबंधन खाते में। बीजेपी प्लस को 54 से लेकर 58 सीटें मिल सकती है, वहीं समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन को 14 से लेकर 18 सीटें मिल सकती है। नेक्स्ट बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीएसपी के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं आज के डेट में। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। यानी देखिए, ताज़ा समीकरणों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ज़्यादा सीटें जो है कि यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें जीत सकती है। चलिए, हम बात करें वोट परसेंटेज की, कौन सी पार्टी खाते में कितने वोट जाने की संभावना है। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी और उसके गठबंधन के खाते में लगभग 44% वोट जा सकता है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में 38% वोट जाने की संभावना है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को लगभग 12% वोट मिल सकता है और पार्टी के खाते में 6% वोट जा सकते हैं। यानी अभी भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर एनालिसिस। जल्द ही हम इस चैनल पे नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव से संबंधित एनालिसिस और ओपिनियन पोल डालने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।